से चुने हुए नुमाइंदे प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनकी तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए, उनका रुतबा बढ़ना चाहिए, उनको गाड़ियाँ मिलनी चाहिए। और हैरानगी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये प्रदर्शन करवा रही है और बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट जो है उनको लीड कर रहा है। जब लोगों के बीच में ये लोग गए थे तो इन्होंने कहा था कि हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है आपके ये सेवा करने के लिए नहीं बल्कि मेवा खाने के लिए इलेक्शन में उतरे थे और नुमाइंदे इलेक्शन में इसीलिए बने हैं ताकि अपना कुछ बना सके। हैरानगी की बात ये है कि ये चुने हुए नुमाइंदे लोगों की बात करने के बजाय आज सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे हैं और बड़ी बड़ी सहूलियात अपने लिए मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से यही रहा है कि जब जब उन्होंने प्रदर्शन किया है पिछले 6 वर्षों में, वो सिर्फ अपने जाती मुफाद के लिए किया है, अपनी सहूलियात के लिए किया है, अपने प्रिविलेजेस के लिए किया है। जब ये लोग MLA बने थे तो इन्होंने असेंबली के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा और हंगामे उस वक्त किए थे कि उनकी तनख्वाह जो है वो 80,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपया कर दी जानी चाहिए। उन्होंने अपने लिए प्लॉट मांगे थे जम्मू में अलग, कश्मीर में अलग, और गाड़ियाँ मांगी और सुविधाएँ अलग अलग तरीके से मांगी थी। जब जब भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है वो अपने लिए किया है। आज दिहाड़ीदार की बात करने वाला कोई नहीं है। मनरेगा में 204 रुपया दिहाड़ी मिल रही है और ये लोग ये नहीं सोच रहे कि किस तरीके से वो गरीब अपना पालन पोषण करें। वो भी 4-4 वर्षों से उनका जो बकाया है वो नहीं मिल पाया है। जो डेली वेजर्स है सड़कों के ऊपर है कई वर्षों से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनकी फिक्र नहीं है। उनका 2-2, 3-3 सालों से वेतन नहीं मिल पाया है। इसी तरीके से जो गरीब है, जो मजदूर है, आज बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। 2 वक्त की रोज़ी मुहैया करवाना मुश्किल हो गया है, उसकी बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन जो चुने हुए नुमाइंदे, हैरानगी होती है कि उनको बात गरीब की करनी चाहिए थी, इन दबे कुचले लोगों की बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो प्रदर्शन आज कर रहे हैं कि उनका अपना वेतन बढ़े और उनको ज़्यादा सुविधाएं मिले और उनका रुतबा ज़्यादा बढ़े। ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में और उनकी पार्टी में ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो एक बहुत ही कंसर्न की बात है। और पैंथर्स पार्टी गरीब के लिए लड़ाई जो है, मजलूम के लिए लड़ाई जो है वो हमेशा जारी रखेगी। आज हम ये कहना चाहते हैं, हमारे जो DDC के मेंबर हैं उन्होंने कह दिया कि उनको वेतन की लड़ाई अपने लिए नहीं लड़नी है बल्कि जो दूसरे लोग हैं, जो डेली वेजर्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल्स हैं, कंसोलिडेटेड वर्कर्स हैं, उनके वेतन में जल्द से जल्दी।